वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं firstbite.tv। महंगी वस्तुओं की चोरी आपने देखी और सुनी होगी। कई चोरियां ऐसी भी रही जिसने लोगों की आंखें खोल दी, या फिर एकाएक ही उन पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन मेरठ में अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है। सोतीगंज के रहने वाले दो युवक युवतियों के अंडरगारमेंट चोरी करते थे। इनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा फरार बताया जा रहा है। मानसिक रूप से विकृत ये युवक अंडरगारमेंट चुराकर क्या करते होंगे, उसे यहां बयान नहीं किया जा सकता। दूषित मानसिकता का एक अन्य मामला तंदूरी रोटियों को बनाने के दौरान उन पर थूकने का भी है। मेरठ के नौशाद पर गिरफ्तारी के बाद अब रासुका लगाई गई है। मेरठ के बाद गाजियाबाद में भी तंदूरी रोटियों पर थूक लगाने का मामला सामने आने के बाद वह दिन दूर नहीं जब शादी समारोह में मेहमान खाना खाते हुए 100 बार सोचेंगे। मानसिक रूप से विक्षिप्त इन युवकों ने समाज में पनप रही घृणा को बढ़ाने का काम किया है। आपको याद होगा वह मुस्लिम युवक जो एक विवाह समारोह में तंदूरी रोटियों को बनाने के दौरान उन पर थूक रहा था। मेरठ का नौशाद नामक इस युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आज मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने मीडिया को इस बारे में यह जानकारी दी। कुछ समय पूर्व जनपद मेरठ में एक मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति था जो खाना बना रहा था किसी समारोह में, और उसमें एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई जिसमें वो बार बार उसके थूकते हुए उसकी फोटो मिली थी। उस आधार पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसको जेल भेजा गया है। चूंकि अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति का मामला था और इससे पूरे जनपद में काफ़ी रोष था, इसको देखते हुए माननीय न्यायालय में उसकी बेल का विरोध किया गया है और इसके साथ ही उस व्यक्ति के विरुद्ध NSA की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जो एक्ट के अनुसार जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है, उसी प्रक्रिया के तहत बहुत जल्द उस पर NSA की कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के रोटियों पर थूक लगाने के मामले के बाद गाजियाबाद के थाना भोजपुर इलाके के दौसा बंजारपुर में ऐसा ही मामला देखने में आया। मानसिक रूप से विकृत मोहसिन तंदूरी रोटी बनाते हुए उन पर थूक लगाते हुए एक वीडियो की पकड़ में आया है। वीडियो वायरल होने पर मोहसिन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर मेरठ में युवतियों के अंडर गारमेंट चुराने के आरोप में सोतीगंज निवासी फहीम के बेटे रोमिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सोतीगंज का ही अक्काश फरार बताया जा रहा है। दोनों अंडर गारमेंट चुराने के लिए बाइक पर भागते हुए CCTV में कैद हो गए थे, जिसके आधार पर सदर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में ASP सूरज राय ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। थाना सदर क्षेत्र में सूचना मिली कि एक घर में दो युवकों द्वारा घुस के वस्त्रों की चोरी कारित की गई है। इस संबंध में इनकी तहरीर लेकर इस पर FIR लिखी गई और इसमें से एक युवक की गिरफ्तारी भी हो गई है और उससे पूछताछ जारी है। संबंध में अभी इससे पूछताछ जारी है और जिस तरह के इसमें फैक्ट्स निकल के आएंगे वो आपसे हम सूचना शेयर करेंगे। अभी तक कोई इसमें खास इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हुई है पूछताछ में। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।